रहे हैं, झक्कास लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सतरंगा कोरबा शहर से लगभग 40 किलोमीटर है और बिलासपुर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक सतरंगा झील है। जी हाँ, बांगो और रिसवायर में एक सतरंगा गांव पे स्थित है और यह जो झील है खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस झील का आनंद लेने के लिए बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ हम भी आ पहुँचे हैं। बोटिंग की ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर हसदेव क्रूज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं तो यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। वहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर ट्रेन रूट से भी आना चाहते हैं तो वहाँ पर कोरबा स्टेशन भी है, जांजगीर भी है, वहाँ पहुँचा जा सकता है। फिलहाल हम शक्ति से सतरंगा जा रहे हैं। यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हमें दूर से ही एक खूबसूरत महादेव पहाड़ का नज़ारा दिख रहा है जो इस जगह का दर्शनीय स्थल है। सतरंगा के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन औषधियाँ भी हैं जिसका उपयोग प्राकृतिक उपचार के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर खूबसूरत गार्डन भी है, रेस्ट हाउस भी है और वाटर स्पोर्ट्स भी है और यहाँ पर देखा गया कि टिकटिंग की व्यवस्था भी है, कैंटीन की भी सुविधा लाजवाब है और ये छत्तीसगढ़ का पहला एक जल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला स्थल भी है। यहाँ पर पानी पर तैरता एक पुल भी बनाया गया है और इस पुल के जरिए आप पहाड़ियों तक भी पहुँच सकते हैं। सूरत नजारे के एक और घड़ी के आगे हम देखते हैं सतरंगा। सतरंगा देवपहरी जो जल विहार है, यहाँ हम आए हैं तो काफ़ी अधिक लुप्त उठाने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो वादियाँ हैं काफ़ी अच्छी है। और प्रवीण जी, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, काफ़ी दोस्तों के साथ तो मज़ा ही कुछ हो रहा है, घूमने का मज़ा ही आ रहा है। यहाँ की जो पानी का कलर कैसा लग रहा है आपको? पानी का कलर हरा, हल्का हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, मतलब ऐसा का जो कलर है वाकई छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं मिलेगा किसी भी पानी का या तालाब का या नदी का जो यहाँ मिल रहा है, काफ़ी अधिक नेचुरल है। ज़रूर आइए यहाँ पर। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, बोल रहे हैं झक्कास लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा अपने शब्दों में बयां करना चाहेंगे? बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, बहुत बेहतरीन, यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है अपने को। और आप क्या बोलना चाहेंगे? बस हम यानी कोई शब्द नहीं, इतना ज़बरदस्त जगह है और ये जो वादियां हैं तो काफ़ी अच्छी ही हैं। जब भी सतरंगा है तो ये बोट का ज़रूर यूज़ कीजिएगा क्योंकि जेट बोट में जो है मज़ा भी ज़्यादा आता होगा, मगर इसमें ज़्यादा लुप्त मज़ा आ रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये जो बोट है वाकई इस बोट का बढ़ावा देना ही चाहिए क्योंकि स्थानीय स्तर पर काफ़ी अधिक इनको रोज़गार के भी मौके मिलते हैं। तो यहाँ ज़रूर आए सवारी, सवारी तो सवारी इनका कहना यह है कि सवारी की संख्या थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि अधिकांश जेट बोट में चले जाते हैं, तो आप जब भी आए तो बोटिंग कीजिएगा। इस गांव में एक 1400 साल पुराना विशालकाय साल वृक्ष भी है जो सतरंगा गार्डन के पास से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही है और इस साल वृक्ष की जो गोलाई है, मोटाई है, काफ़ी ज़्यादा है, जो छत्तीसगढ़ में जो जितने भी साल वृक्ष है उसमें सबसे ज़्यादा मोटा साल वृक्ष इसी वृक्ष का है।